एक सुलझे हुए नेता ने और यह बयान दे दिया कि मुझे वंदे मातरम का गायन करने में कठिनाई है, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं और लोकसभा का जो सत्र का समापन होता है तो वंदे मातरम के गायन से ही होता है, जनगणमन से प्रारंभ होता है और लोकसभा का प्रत्येक जो सत्र है वो वंदे मातरम के गायन के बाद ही उसका समापन होता है। और जिस वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल गए, जो पूरी आज़ादी की लड़ाई का मंत्र था और उसको गाने में भी इनको कठिनाई हो रही है, तो देखिए जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं, इनको देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों के साथ खड़े होने में कठिनाई नहीं है। तो जनता तय करेगी ऐसे लोगों के बारे में कि जिनको जनगणमन भारत माता की जय बोलने में दिक्कत हो रही है, जिनको वंदे मातरम गायन करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए ऐसे लोगों को जनता इस चुनाव के अंदर और जवाब देगी।